तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। अभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं। अभी सुबह के बजने लगे हैं 12 बज के। 12 बजे नहीं है वैसे, 12 बजने के लिए 15 मिनट है। और आज अपने एक छोटे से ब्लॉग की शुरुआत जो हूँ, बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अभी नहा के आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे कांगड़ा में, और इतनी गर्मी मैंने कभी भी नहीं देखी है। इतनी गर्मी अभी तक बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे तीर भी नहीं है, इतने गर्म हुए हैं। पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि इतने तीर भी नहीं तपे हो। अभी वो वाला तीर तपने वाला सीज़न तो आया ही नहीं है जो बड़े महीने में होता है, तो तभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन 5-6 दिन से जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बाकी अभी मैं बाहर आंगन में लगी हुई थी, बहुत घास हो गया था, वही मैंने अच्छी तरह से उखाड़ के फेंक दिया। और इतनी गर्मी लगी, और थोड़ी सी ना मुझे चींटियाँ भी काट गई, गुस्सा भी बहुत आया। और फटाफट मैंने सोचा चलो पहले फ्रेश हो लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। और दिन का तो मतलब पता चलता ही नहीं है कब कैसे काम जो है चलता रहता है, और इसके साथ जो है दिन भी बड़ी जल्दी से निकल जाता जी, ये है। देखिए यहाँ पे जो है ना, बहुत ज़्यादा घास हो गया था, और ये जो गुलाब का फूल था आगे आ गया था। जब भी हम आगे जैसे कपड़े वगैरह डालने लगते थे तो इसके कांटे जो है ना हाथों में लगते थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ से इस साइड से लकड़ी के डंडे लगा दिए। और यहाँ पे देखो खीरे की जो है बेल लगी हुई है, छोटा सा खीरा लगा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं किस साइड गया, अंदर की साइड कर दिया होगा मैंने। और यहाँ पे ये मीटर फली लगी हुई है, और इस साइड ना मतलब इतना ज़्यादा घास था, कांटे लग रहे हैं। और ये जो है पूरा हमने यहाँ से साफ कर दिया है। इतनी धूप लगी हुई थी सीधी कि पूछो ही मत। तो यही काम कर रही थी मैं यहाँ पे, और इसके चलते जो है ना गर्मी लगी, तो फटाफट यहाँ से उठ के चली गई। खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, और सुबह ही मैंने चने और माँ की दाल जो थी उबाल के रख दी है। मैं आपको छोटा सा अपना ना किचन गार्डन बताती हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या तैयार करके रखा हुआ है। ये प्लास्टिक की बाल्टी है ना, और प्लास्टिक की बाल्टी में मैंने जब छोटा सा पौधा था तब आपके साथ शेयर किया था, ये करेले की बेल जो है ना देखो कितनी ऊपर, यहाँ खट्टे का पेड़ है ना इसके ऊपर चली गई है, कहाँ तक पहुँची है ये देख लो आप। और इस बेल में लगा हुआ है अभी एक करेला, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, और एक इस साइड लगा हुआ है, ये दो, और एक बीच में सेंटर में लगा हुआ है यहाँ पे। और ये बाकी जो है ना सारे जो पौधे हैं वो शिमला मिर्च के हैं, ये इसमें, और ये जो पीपे रखे हुए हैं इसमें भी, और ये जो है यहाँ पे बैंगन के पौधे लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखो बैंगन एक लग भी पड़ा है, ये देखो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये देखो बैंगन। यहीं पे मैंने जो है ना किचन गार्डन जो है ना अपना तैयार कर लिया है, और शिमला मिर्च के पौधे तो अभी लगे हुए हैं भाई, इसमें अभी लगा नहीं है। खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का टाइम जो है ना आजकल चेंज हो गया है, और सुबह जाते हैं वो 7:30 बजे स्कूल लगता है, और 1 बजे छुट्टी हो जाती है। तो इसके लिए ना खाना हमें बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। मैं आपको सामने का व्यू बताती हूँ, बहुत गंदा व्यू है यहाँ का, क्योंकि आमने सामने इतने पेड़ हो गए और इतने पत्ते गिरते हैं ना, इतने ज़्यादा पत्ते पत्ते गिरते हैं, हे राम जी। रोज़ का बस यही होता है, झाड़ू पकड़े रखो और 3-4 बार भाई झाड़ू लगाओ। और ये ढीहू का पेड़ करूँगी मैं शेयर आपके साथ, इसका भी अचार पड़ता है, और वो वाले ढीहू जो है ना सब्जी वाले खा के हम हो चुके हैं फ्री। और ये जो दूसरे वाला फल लगा हुआ है, अब इसके बनाएंगे हम अचार। बाकी धूप इतनी ज़्यादा लगी हुई है वो आप देख ही सकते हो। ये देखो बीन्स जो है ना यहाँ पे इस साइड जो है ना इस बार बहुत अच्छी लगी हुई है, ये बताती हूँ आपको मैं। ये देखिए आज मैं इसको तोड़ लूँगी और इसकी ना सब्जी बनाऊँगी मैं, बीन्स की।
एक बार मैंने ये देख लो लगी हुई है, बहुत अच्छी लगी हुई है। और इसका ना घास जो है ना निकालने के लिए हो गया है, ये देखो। दूसरी साइड जो है ना मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं, थोड़े से भिंडी के हैं और टमाटर के बूटे भी लगा के रखे हुए हैं, तो उनका मैं घास भी निकाल दूंगी ना। तो ये मैंने मतलब थोड़ा सा जो है क्यारी जो है ना इसी में ही रेडी कर दी है। बनी रहिए आप हमारे साथ, अभी मैं ना किचन में जाऊंगी और फटाफट खाना बना लेती हूँ, तो अब बनी रहिए। तो हाँ जी, अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और इस साइड चढ़ा दिए चावल, क्योंकि टाइम जो है सवा बारह लग पड़े हैं उन्हें, सवा बारह से अब तो आप ही हो गए होंगे। और लोहे की कढ़ाई रख दी है, और वैसे भी ऐसे भी मैं जैसे दाल वगैरह बनाती हूँ तो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो है ना खाना बनाना काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी होता है, काफ़ी पोषक तत्व भी मिलते हैं लोहे की कढ़ाई में। तो मैं दाल जो हूँ स्टील के कुकर में उबालती हूँ ना, और दाल जो है मैक्सिमम जैसे तड़का लगाना हो तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और अभी फटाफट खाना बना लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, फटाफट खाना रेडी कर लेती हूँ। और उस साइड बर्तन धो के देखो कहाँ पे रखे हुए मैंने, सूख जाते हैं ऐसे, तो इतनी धूप लगी है ऐसे तो मैं बाहर रख देती हूँ लेकिन बर्तन भी गर्म हो जाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ कंटिन्यू। अभी मैं खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ और बर्तन वगैरह रख दिए मैंने। अभी बच्चों का वेट हो रहा है क्योंकि बच्चों को लेने के लिए दुकान बंद करके गए हैं ये, और अभी 1:05 हो चुके हैं। अभी देखते हैं कब आते हैं बच्चे, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में ना बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो टीचर्स ने अभी टाइम टेबल जो है ना चेंज कर दिया है, सुबह 7:30 लगता है ना उनका स्कूल और 1:00 छुट्टी हो जाती है। अभी पता नहीं कब आएंगे वो। तो हेलो गाइस, तो देखिए अभी जो है ना, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, यहाँ बताता हूँ कि मैं कासमीन जो है ना सब्जी यहाँ से शाम के लिए बनाऊँगी। तो ये देखिए थोड़ी सी कासमीन मैंने, वो देखो वो वहाँ पे मैंने तोड़ के उस साइड रख दी है, और अभी और यहाँ पे मैं निकालूँगी और शाम के लिए जो है ना सब्जी जो है रेडी हो जाएगी। तो यहाँ बीच बीच में सब्जी ध्यान से निकालनी पड़ रही है, क्योंकि अभी कुछ कुछ फलियाँ जो है ना अभी कच्ची भी हैं, जैसे ये देखो। और ये वाली जो है ना यहाँ पे मैंने तोड़ के रख दी है। स्टॉप। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए मैं शाम के लिए जो है ना सब्जी ले आई हूँ, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की, और शाम का जुगाड़ तो हो गया भाई। और इतनी खुशी होती है जब अपनी मेहनत से कोई चीज़ जो है ना हम तैयार करते हैं और बाद में वो अपनी मेहनत से फल देती है ना, तो इतनी खुशी, मुझे तो बहुत खुशी होती है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितनी खुशी होती है। ये 20 रुपये का पैकेट हम लेके आए थे ना, और दूसरी बार जो है ये फ्रासबीन की सब्जी हम खा रहे हैं, तो इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको ज़रा भी मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए फिर हम आज के ब्लॉग की एंडिंग जो है ना हाँ यहीं पे करते हैं, और मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।